ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। उदयपुर में सीएम गहलोत ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने कहा कि देश में राजस्थान ऐसा राज्य है जो कि फ्री इलाज फ्री जांच की सुविधा दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि हेल्थ के मामले में राजस्थान मॉडल को पूरे देश में लागू करे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज उदयपुर के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने आरएनटी मेडिकल कॉलेज में 34 करोड़ रुपए से बने भवन और नई मशीनों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि हेल्थ और एजुकेशन राजस्थान सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश के पीएचसी, सीएचसी और जिला अस्पतालों में फ्री इलाज फ्री जांच की सुविधा शुरू कर दी है। देश में राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जो अपने नागरिकों को सोशल सिक्योरिटी दे रहा है। गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि हेल्थ के मामले में राजस्थान मॉडल को पूरे देश में लागू करे। आपको बता दें कि गहलोत 13 से 15 मई तक आयोजित होने वाले कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर की तैयारियों में उदयपुर गए हैं। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों के सेक्रेटरीज यहां आकर हेल्थ सिस्टम को देख रहे हैं, वो अपने यहां पर लागू करना चाहते हैं। मोदी जी को चाहिए कि वो राजस्थान मॉडल को देश भर में लागू करें। इस दौरान गहलोत ने कोरोना प्रबंधन के दौरान तत्कालीन भीलवाड़ा के कलेक्टर और मौजूदा उदयपुर के संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट का जिक्र करते हुए कहा कि उस वक्त भीलवाड़ा मॉडल को पूरे देश में लागू किया गया। उन्होंने सोशल सिक्योरिटी का जिक्र करते हुए कहा कि राजस्थान को उस जगह ले जाना चाहते हैं जहां विकसित देश खड़े हैं, वो अपने नागरिकों को सोशल सिक्योरिटी दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं। फ्री इलाज और जांच इस दिशा में सरकार का एक बेहतरीन कदम है। मुख्यमंत्री एमबी अस्पताल के सभागार में इंटरनेशनल नर्सिंग डे के मौके पर नर्सेस को संबोधित कर रही थी, तभी नर्सिंग एसोसिएशन के मुखिया गिरीश जोशी ने प्रोत्साहित राशि का ध्यान आकर्षित किया। इस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल सेक्रेटरी से बातचीत करके घोषणा की और बकाया प्रोत्साहन राशि जल्द ही मिल जाएगी ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में नर्सों के कामकाज की सराहना की। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।